डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी के जनपद रायबरेली। मुख्यमंत्री का फर्जी सलाहकार बनकर अधिकारियों को धमकाने वाले गिरोह का खुलासा हो गया है। गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लग्जरी मर्सिडीज, BMW और एक SUV कार व एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है। यही नहीं, बरामद गाड़ियों पर भारत सरकार और प्रेस के भी स्टिकर लगे मिले। सदर कोतवाली प्रभारी अतुल सिंह, SOG अवरेश त्रिपाठी, ज्वाइंट पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह के एक सदस्य पहले गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। इन लोगों ने एक मामले में पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनकर फोन किया था। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाहकार बताकर पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करना चाहता है। वो एक नंबर भी छोड़ता है जिसमें बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जब वार्ता की गई तो पता ये चला कि वो एक डॉक्टर सलीम हैं जो लखनऊ के रहने वाले हैं। उनके बहन के संबंध में ये कंप्लेंट कराना चाहता है और कुछ धाराओं को बांटना चाहता है। जब पुलिस अधीक्षक द्वारा ये अभियोग पंजीकृत कराया गया तो उसके बाद पुनः उस फोन पर उसने इसमें उचित रूप से दबाव बनाकर कुछ धाराएं बढ़ाने और इंस्पेक्टर कोतवाली के खिलाफ कुछ बात कहने के की भी बात की। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय को कुछ शक हुआ, फिर उन्होंने इसकी जांच कराई और सभी जगह से पूछताछ हुई, सर्विलांस सेल का सहारा लिया गया और इसके बाद इसे पता ये चला कि जो है कि ये एक फर्जी आदमी है जो अपने आप को CM का सलाहकार बताता है। और हमारी सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम ने काफ़ी मेहनत के प्रयास के बाद जब इसको पकड़ा और जब इसका बयान लिया गया तो इसने बताया कि वो इस तरह के काम पहले भी कर चुका है और कई अधिकारियों और कई अन्य विभागों में इस तरह के उसने काम किए हैं, जिसके संबंध में हजरतगंज थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत है। इसके खिलाफ पूर्व में ही गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है और इसके पास से एक मर्सिडीज गाड़ी और एक BMW और एक SUV गाड़ी बरामद हुई है जो आपने अभी देखी है। इसके साथ ये अपने आप को ये बताता है कि ये इंडिया न्यूज़ हिंदी नाम का एक न्यूज़ पोर्टल भी चलाता है और ये भी इसके द्वारा ये भी बताया गया कि मैंने कई लोगों के, कई अधिकारियों के बयान भी लिए हैं। इन सब की पूरी जांच कराई जा रही है और इस संबंध में इसके पास से कुछ ATM कार्ड, कुछ अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। इसका खुद का अपना माल एवेन्यू लखनऊ के एक पॉश इलाके में बंगला भी है। इस तरह से इसने इस तरह की धोखाधड़ी फर्जी करके काफ़ी जो है वो संपत्ति भी अर्जित कर रखी है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? और इसके साथ ही ये जो माल एवेन्यू पर इसका बंगला है वहाँ पर हमारी टीम गई थी तो वहाँ पर जो मतलब इसकी नेम प्लेट है उसमें एक्स नंबर कंज्यूमर काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स काउंसिल मेंबर स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स मेंबर CA कपाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स मेंबर NIRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्स मेंबर ऑफ ZTAC, इस तरह के पूरा एक पूरा जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये इसके नेम प्लेट की वो है जो इस घर से मिली है, इसकी फ़ोटो हमारी टीम ने ली है। इस तरह के तमाम सारे फर्जी काम करके इसने काफ़ी संपत्ति अर्जित की है। वर्तमान में अब इसको यहाँ गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसमें अभी अन्य जांच जारी है और जैसे जैसे और लोग आएंगे प्रकाश में इस प्रकार होगी। डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।